सर ये बताइए, कमल हासन ने कल बोला था कि सबसे पहला टेररिस्ट हिंदू है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बोला उसकी जबान काट देनी चाहिए। नहीं, जो महात्मा गांधी को मारा, जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे, राक्षस बोलेंगे? उसको टेररिस्ट बोलेंगे या असैसिन बोलेंगे? जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूव हो गया कि वो भी कॉन्स्पिरेटर थे, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा, वो टेररिस्ट ही है। लेकिन ये कहा गया था वहाँ पे जहाँ पे मुसलमान वहाँ पे ज्यादा थे और ये प्रचार करने गए थे, तो अपीजमेंट? नहीं नहीं, वो सब मेरे को नहीं मालूम। मैं आप इतना ये कह सकता हूँ कि जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी और जिनको सजा हुई, और कपूर कमीशन में जिन पर कॉन्स्पिरेसी का एंगल साबित हुआ, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। जो उसने बापू को मारा उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उनको? उनको क्या भूल बनाएंगे? तो अभी बोल रहे सर 1948 में हुआ, तो अभी अभी उसको टेररिस्ट? अभी अरे फादर ऑफ द नेशन की असैसिनेशन को आप भूल जाएंगे क्या? आप भूल जाएंगे तो इसका मतलब आप आपके दिल में महात्मा गांधी से मोहब्बत थी? हाँ, तब से ही बोल रहे, तब से ही बोल रहे। जो भी मारा, जिन पर सजा हुई, रेड फोर्ट के अंदर जिस पर केस चला, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। ये बात पीरियड, ये उसमें कोई दो राय नहीं है। इनको आप कोई महात्मा नहीं बोल सकते। जो गोली मारे उनको क्या बोलेंगे? फादर ऑफ द नेशन को? Hello, this is your Nandu. Please do subscribe to New Waves Media.